Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. अचानक से क्या हुआ? हुआ क्या मतलब कि कन्नौज में खुद चले गए अखिलेश यादव? कुछ आप लोगों को खबर है अंदर की क्या बात? मामला बदला कैसे? घर को मामला है, चर्चा तो होगी ना आप लोगों को? ऐसा है, ये फिंतरू छोड़े जाते हैं कि देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या माहौल बनता है। लोगों ने प्रस्ताव रखा, अपना अपनी बात रखी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही चुनाव लड़ने वाले थे, वहाँ किसी की जरूरत नहीं थी। वो तो अपने मन से ही उन्होंने, जनता की पुकार थी पहले से, और बहुत भारी बहुमत से वहां से विजयी होके आएंगे। रिकॉर्ड होगा, कन्नौज की जनता वहां रिकॉर्ड बनाएगी, और मैनपुरी में भी इस बार इतिहास में रिकॉर्ड बनेगा। 4 लाख पार से जीतेंगी। जैसे भैया ने कहा कि अखिलेश यादव के मन में पहले से था, प्लान था, और बस जनता की पुकार, जनता का मूड समझना चाह रहे थे, इसलिए तेज प्रताप का टिकट जारी कर दिया था। अनंत भाई, ऐसा है? अच्छा, मगर तेज प्रताप तेजू भैया के जाने के जमाने से इंतजार कर रहे हैं, उनका नंबर कब आएगा? अरे तेज, हमें ये बताइए, खाली कर दिए आप इस चीज को, मान लीजिए सरकार केंद्र में इंडिया गठबंधन की आएगी। अच्छा, आएगी? आप बताओ ना, हम क्या बताएं? इंडिया गठबंधन सरकार आएगी, अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। सरकार जब आएगी तो अखिलेश नेता प्रतिपक्ष का रहेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। कहता हूँ झूठ बोलना था, झूठ तो बोल। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश जी ने खुद का स्टेटमेंट दिया कि मुझे प्रधानमंत्री अभी नहीं बनना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देश का मुख्यमंत्री, मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। मैंने प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा। ठीक है, वो चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन अखिलेश जी ने एक दो स्टेटमेंट दी है कि हम अभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। अच्छा, कौन बनेगा बताइए? आप लोगों को कौन ठीक लगता है भाई? एनडीए की तरफ से क्लियर है कि नरेंद्र मोदी अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन। अच्छा, ये बताइए बीजेपी में, आप बताइए नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो पार्टी बताएगी, हम क्या बताएं? क्यों आप इस चीज को मान लीजिए, सांसद विधायक या पार्षद सब मोदी जी पे वोट मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इस पद की गरिमा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। कैसे? क्यों भाई? प्रधानमंत्री मंच पे ठाड़े होके, खड़े होके ये कहें कि मंगल सूत्र बेच दिए जाएंगे, ये क्या कांग्रेस भाई मतलब तरीका है? अच्छा ये बताओ, कांग्रेस ने सिर्फ यही तो कहा है कि हम सर्वेक्षण कराएंगे, मतलब एक्सरे करवाएंगे कि किस पे क्या है, इसमें क्या बुराई है, तभी तो मालूम पड़ेगा बीजेपी नेता उन पर क्या क्या है।